सब योगी मोदी सरकार है ना। आओ ना तो अपने गोरखपुर के। बारिश में सड़कों की हस्ता हालत के वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे, पर उन्हीं सड़कों पर चलने वाली सरकारी बसों की क्या हालत है आज ये भी देख लीजिए। वीडियो गोरखपुर से आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके से। यहाँ यूपी रोडवेज की एक बस में बारिश के दौरान छत से पानी चूने लगा। ये पानी किसी एकाध कोने से नहीं टपक रहा था, बल्कि पानी की धार देखकर तो लग रहा था कि मानो छत के होने न होने का कोई मतलब ही नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान बाकायदा कुछ लोग बस में सफर कर रहे थे, कंडक्टर टिकट काट रहा था और कई लोग छाता तान कर बैठे हुए थे, जैसे उनके लिए ये बहुत ही साधारण सी बात हो। राप्ती नगर गोरखपुर डिपो की ये बस नंबर UP53AT4101 गोला बाजार से गोरखपुर के बीच चलती है। बस में बैठे एक यात्री ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यात्री का कहना था कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उनके इलाके में अफसर कैसी बस चलवा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो परिवहन निगम के अफसरों के हाथ पैर फूल गए, विभाग में खलबली मच गई। गोरखपुर रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने माना कि लापरवाही तो हुई है, विभाग का आदेश है कि ऐसी किसी बस को सफर पर ना भेजा जाए जिसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ी हो। बारिश के समय बसों की पूरी जांच कराई जाए। फिलहाल इस बस को वर्कशॉप मिलाकर खड़ा कर दिया गया है और बाकी बसों को भी जांचने के लिए कहा गया है। ये तो विभाग के आदेश है कि कोई भी छूटी हुई बस को ना भेजा जाए, और यदि भेजा गया है तो ये विभाग उस डिपो के फोरमैन की जिम्मेदारी है, उसकी लापरवाही है। और इसमें अभी मैंने आप ही के सामने ARM से बात किया और जब इसकी जानकारी हुई तो ARM साहब ने वो गाड़ी को मंगवा करके वर्कशॉप में खड़ी करा दी है। ये विभाग के आदेश है, कोई भी छूटी हुई बस को नहीं। हमारे स्तर से भी कई बार आदेश किए गए हैं, संभवतः हो सकता है कि रास्ते में ही चूने लगी हो, यहाँ से सही गई हो, क्योंकि अब मैंने उनको ये भी आदेश किया कि आधा घंटा आप बस अड्डे पे पानी जब बरसे तो खड़ी करके और चेक कर दें, तभी उपरांत भेजी जाए। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए क्या मतलब? इसके लिए अब चेक तो रेगुलर कराते हैं, अब चूने वाला एक जरूर है, इसको कहा गया है कि हर जो जॉइंट्स वगैरह देख लें, जहाँ पर जॉइंट्स हैं वो उस पर सीलेंट वगैरह हम लोग बिटुमिन वगैरह वो लगा रहे हैं, तो वो लगाने के बाद जो है अभी टायर फेल्ट वगैरह लगा करके भेजिए। कार लगातार हर बसों में हो रहा है, अब ये कैसे चली गई या रास्ते में हुई, अब इसको एक जांच का विषय, इसको जांच कर। माना जा सकता है कि वीडियो वायरल होने पर ही अफसर हरकत में आए और बस को सड़क से हटवाया गया, पर सवाल ये है कि क्या बस के ड्राइवर और कंडक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो फौरन अपने अफसरों को ये जानकारी देकर इस बस को सड़क से हटवा लेते? क्या वाकई उन्हें पता नहीं रहा होगा कि बस की छत इतनी टपकती है और यात्रियों को इससे परेशानी होगी? शायद सरकारी है तो सब चलता है वाली सोच ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया होगा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग जमकर सरकारी अमले की लानत मलामत कर रहे हैं। सब योगी मोदी सरकार है ना। भाड़ा सरकार व्यवस्था टैक्स तो बुरा लेता है।